दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। और अभी हम देखिए ड्यूटी से आ गए हैं, एक ही बार पूरा काम खत्म करके आज भी रेगुलर ड्यूटी के काम किए थे। जैसे सुबह में जब स्टार्ट हुआ था काम तो एक ही बार 2-3 बज गया था पूरा काम करते करते। आज मेरा काम था जो रेल रहता है, पुराना वाला रेल चेंज होता है, उसी को एक जगह से दूसरे जगह थापी लगा के सरिया के रखना था। जो पुराना रेल चेंज होता है तो उसको दूसरा जगह जहाँ पे जगह खाली रहता है स्पेस में, उसको थापी लगा के सरिया के रखने का रहता है। तो आज यही सब काम किए। और इसके जो ट्रॉली रहता है, एक डीप ट्रॉली होता है, एक पुश ट्रॉली होता है, और एक जो ट्रैकमैन यूज करते हैं वो वाला ट्रॉली रहता है, तो उसी से 2 ट्रॉली लगा के रेल को इधर उधर थापे लगा के रखे हैं। और जहाँ पे मेरा काम था वहाँ पे TRD वालों का भी काम था, वो भी काम कर रहे थे और हमारा भी काम चल रहा है। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि आज का वर्क कैसा था, कैसे कैसे काम किए और TRD वालों का कैसा काम रहता है। इससे पहले भी मैं आप सबको दिखाया था TRD वालों का वर्क कैसा रहता है, लेकिन आज फिर से देख लीजिए किस तरह से उनका ड्यूटी रहता है और हमारा ड्यूटी कैसा रहता है, ये सब देख लीजिए। दिखा देते हैं, उसके बाद एक चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ट्रैकमैन का जो पोस्ट रहता है, बहुत सारे लोग डरते हैं ट्रैकमैन पोस्ट से, लेकिन ट्रैकमैन पोस्ट जो ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करना चाहिए। और इसमें एक फ़ायदा है, शारीरिक फायदा ये है कि जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पे आते हैं तो वो पूरा शरीर से फिट रहते हैं। उनको जैसे कोई जाता है सुबह सुबह दौड़ने के लिए, कोई सुबह सुबह जाता है जिम करने के लिए, तो जो ट्रैकमैन पोस्ट पे आएंगे तो उनको ये सब करने का कोई टेंशन नहीं रहता है और बहुत सारा जो बीमारी रहता है उससे बच सकते हैं। आज के जो खान पीन का दौर जैसा चल रहा है उसमें बहुत सारा बीमारी से आप बच सकते हैं। तो यही सब आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। पहले देख लीजिए कि आज का वर्क कैसा था, ये सब मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सबको बताता हूँ कि ट्रैकमैन पोस्ट जो ट्रैकमैन पोस्ट रहता है मिलता है तो उनको क्या क्या फायदा रहता है शारीरिक, ये सब मैं आप सबको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। मेरा हाथ किस तरह से घट हो गया है, पूरा एकदम हार्ड हो गया है ऐसा। ये तो बायां वाला हाथ है, दायां वाला हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरा घट हो गया है, पूरा फिट रहता है। जितना भी ट्रैकमैन है वो पूरा शरीर से फिट रहता है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पेटी पर पहुंच गए हैं। पेटी का मतलब हुआ गैंगहट, जहाँ पे जो ट्रैकमैन है उनका हाजिरी जहाँ पे लगता है वही है, यहीं पे सबका हाजिरी लगता है और यहीं से सबको काम बंटता है कि कौन सा आदमी को क्या काम करना है। तो यहीं से काम मिलने के बाद फिर अपना अपना साइड पर सब जाते हैं। इधर ही से हम सबको आज रेल को स्टॉकिंग करना है, जो पुराना वाला रेल है उसी को एक जगह स्टॉक करना है, एक जगह सरिया के रखना है। तो अभी थोड़ा दूर और आगे जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रॉली से रेल को स्टॉकिंग करेंगे। और देखिए यही ट्रॉली है, 2 ट्रॉली रखा हुआ है और दोनों पे देखिए पकड़ लगा हुआ है, वही पकड़ से फंसा कर रेल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है। और एक ट्रॉली पे लगभग 3 से 4 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए रेल को लेके जाया जा रहा है, एक ट्रॉली देखिए आगे लगा हुआ है, उस पर देखिए 3 आदमी हैं और पीछे वाले पे हम हैं, उस पर भी 3 आदमी है और देखिए अभी लेके जा रहे हैं।
यहीं पर देखिए टीआरडी वालों का भी काम चल रहा है। ये देखिए उनका बोगी लगा हुआ है और ऊपर में देखिए चढ़ के दो आदमी तार पे चढ़ के देखिए वायर को ठीक कर रहे हैं। मैं आप सबको बताया ही था कि टीआरडी वालों का भी वर्क बहुत हार्ड रहता है। देखिए किस तरह से तार पे चढ़ के काम कर रहे हैं ये सब। और आगे देखिए वहाँ पे दो आदमी हैं, वो लाइन को काट रखे हैं। इससे इधर जो काम चल रहा है उधर लाइन कटा हुआ है, यहीं से देखिए लाइन कटा हुआ है और उधर सब काम कर रहे हैं। नहीं लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके से इंतजार किया। अब चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं कि ट्रैकमैन पोस्ट के फायदे। ट्रैकमैन पोस्ट के ये फायदा है कि जो भी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पे आएंगे तो उनको शारीरिक तौर पर जो भी मोटापा है, चाहे जो पतले हैं तो उनके लिए तो ठीक ही है, जो मोटे हैं वो मोटे से पतले हो जाएंगे। और जो भी शारीरिक कष्ट है, जैसे दौड़ा नहीं जाता है, थोड़ा दूर चलते हैं तो हाँफ जाते हैं, तो ये सब दिक्कत सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो ट्रैकमैन पोस्ट है इसमें पूरा शारीरिक फिट हो जाता है, मजबूत हो जाता है आदमी। और ये ट्रैकमैन पोस्ट एक भाई कमेंट किए थे कि ये तो लेबर का काम है, जो ट्रैकमैन वर्क करते हैं ये सब लेबर काम करते हैं। तो सही बात है, लेबर का ही काम है। पहले जितना भी ट्रैकमैन का काम था वो लेबर ही करते थे, तो धीरे धीरे इसको परमानेंट कर दिया गया। पहले ट्रैकमैन का काम ये सब करते थे लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे ये सब करते थे। फिर धीरे धीरे इसमें ये जो स्टेशन पर कूली उली रहता है उसको ज्वाइनिंग करके ट्रैकमैन बना दिया गया। परमानेंट होने के बाद जो ट्रैकमैन है अभी, जो जिसको ट्रैकमैन बोलते हैं, अभी तो पहले ट्रैकमैन बोलते थे, अब ट्रैक मेंटेनर 4 बोलते हैं। और उससे पहले जब कूली उली का ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम गैंगमैन बोलते थे। जितना भी ट्रैकमैन है उनको गैंगमैन बोला जाता था। फिर उसके बाद गैंगमैन से चेंज हुआ तो ट्रैकमैन बोलने लगे, फिर उससे चेंज हुआ तो ट्रैक मेंटेनर 4। अभी जो भी पेशिप पे नाम लिखा हुआ था है पोस्ट का, तो उसमें लिखा हुआ रहता है ट्रैक मेंटेनर 4। लेकिन इतना कोई कुछ नहीं बोलता है, जो भी काम करते हुए देखता है तो कहता है ट्रैकमैन काम कर रहा है, चाहे गैंगमैन काम कर रहा है, इस तरह से बोलता है। लेकिन जो भी पोस्ट है अभी ट्रैकमैन का, उसका ओरिजिनल नाम ट्रैक मेंटेनर 4 है। मेंटेनर जो ट्रैक की, जो ट्रैक का मेंटेनेंस करता है, इसीलिए इसको ट्रैक मेंटेनर 4 रखा गया है अभी। और इसके बाद क्या चेंज होगा ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ट्रैक मेंटेनर 4 बोला जाता है ट्रैक। अब चलिए आप सबको बताते हैं कि ट्रैक मैन पोस्ट मिलने पर क्या फ़ायदा होगा, आप सबको ये बताते हैं। कुछ भाई तो डर रहे हैं कि ट्रैक मैन पोस्ट मिलेगा तो हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इससे आगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ज्वाइनिंग करें कि नहीं करें। ज्वाइनिंग करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो ज्वाइनिंग कर लीजिए। चाहे डिग्री जितना भी है, ज़्यादा है डिग्री तो अच्छी बात है, कम है तो फिर डिग्री लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब फ़ायदा मैं बताता हूँ, तो फ़ायदा ये है ट्रैकमैन का कि जितना भी डिपार्टमेंट है, जैसे SNT हो गया, CNW हो गया, और ये IW हो गया, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और फिट, शारीरिक फिट ट्रैकमैन ही रहता है। क्योंकि इनका हार्ड वर्क रहता है डेली, जितना भी ट्रैकमैन है कहीं भी रहे तो उसको लगभग 4-5 किलोमीटर बुलना ही पड़ता है। कहीं भी ड्यूटी रहे, अगर ड्यूटी वो कर रहा है, रेगुलर ड्यूटी कर रहा है, तो डेली उसको 4-5 किलोमीटर चलना ही है। तो जो सुबह में वॉकिंग करने के लिए जाते हैं वो थे दूसरा डिपार्टमेंट के लोग, कि हमको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जितना भी ट्रैकमैन है किसी को बीपी ना शुगर ना हार्ट का प्रॉब्लम ये सब कुछ भी नहीं रहता है। जब तक आप जॉब करिएगा पूरा सर्विस में, तो मैं गारंटी से कहता हूँ ना ही बीपी होगा, ना ही शुगर होगा, ना ही हार्ट का प्रॉब्लम होगा,
ये सब से पूरा आजाद रहिएगा। ये तीन चार बीमारी है, तीन चार बीमारी कभी भी नहीं होगा। जब आप ट्रैकमैन पोस्ट पे आइएगा तो जितना जैसे हार्ड जितना हार्ड वर्क इनका रहता है ट्रैकमैन का और जितना काम करना पड़ता है, इतना काम अगर डेली करिएगा तो ना ही बीपी का प्रॉब्लम होगा, ना ही शुगर का प्रॉब्लम होगा, ना ही हार्ट का प्रॉब्लम होगा। ये तीन चार बीमारी का मैं गारंटी से मैं बोलता हूँ कि नहीं, कभी नहीं होगा सर्विस के दौरान। सर्विस के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप ज्वाइनिंग करिएगा और ट्रैकमैन पोस्ट पर रहिएगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इतना बीमारी आपको टच भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें शारीरिक तौर से फिट भी रहिएगा, ना ही आपका वजन बढ़ेगा। जैसे आप कोई आम आदमी रहता है तो किसी का पेट निकल गया, किसी को चला नहीं जाता है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर डेली 5 किलोमीटर बुलिएगा और काम करिएगा तो पूरा शरीर से भी फिट रहिएगा और बीमारी से भी दूर रहिएगा। ये मेरा गारंटी है। जितना भी यहाँ मेरे सेक्शन में आदमी है काम करता है तो एक आदमी खाली मोटा है, बाकी सब शरीर से फिट है। सरकारी नौकरी में मेरे ख्याल से दो ही आदमी फिट रहता है, एक जो ट्रैकमैन रहता है वो पूरा शरीर से फिट रहता है, और जो आर्मी वाले रहते हैं जितना भी फौज का हो गया उसमें सभी फिट रहते होंगे। और जितना ट्रैकमैन है रेलवे में, जितना भी ट्रैकमैन है वो सब फिट रहता है, क्योंकि डेली का डेली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलना पड़ता है और काम करना पड़ता है, और धूप में काम करना पड़ता है। ये नहीं कि छांव में बैठ के एसी में बैठ के काम करते हैं, जो भी ऑफिस में हो गया चाहे एसी में बैठ के काम करते हैं, तो उनको कब हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाएगा, कब शुगर का प्रॉब्लम होगा, कोई पता नहीं रहता। इसीलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है तो डरिए नहीं, ज्वाइनिंग करिए और अच्छी लगन से काम करिए और तैयारी करते रहिए। जो भी आपको तैयारी करने का है, जैसे जो भी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं तो वो चीज़ रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और ज्वाइनिंग करिए, ये नहीं कि हमको ऐसा काम है तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले हो गया, 6-7 महीना पहले बिहार का ही एक लड़का ज्वाइनिंग किया था ग्रुप डी में ही, यहीं मेरा गैंग में आया था। तो 5-6 महीना वो ड्यूटी किया और उसके पास डिग्री भी था तो, और बिहार एसएससी में उसका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम दिया तो उसका उसमें हो गया, तो यहाँ से रिजाइन मार के चला गया। अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। नहीं तो अगर रेलवे में हैं तो रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, गार्ड का हो गया, ड्राइवर का हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, क्लर्क का हो गया, जेई का हो गया, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो रेगुलर जारी रखिए, अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर ट्रैकमैन में ही रह जाइएगा। और तैयारी करते रहिएगा तो किसी ना किसी चीज़ में हो जाएगा। तो आप ये भी सवाल करिएगा कि आपको क्यों नहीं हुआ। मेरा इसलिए नहीं हुआ कि मैं बीए तक मैं पढ़ा लिखा हूँ और आईटीआई किया था, तो बीए का सर्टिफिकेट इसमें डाल दिया हूँ, जो जॉब है उसमें बीए का डाल दिया हूँ, तो आईटीआई का नहीं डाला। मैं यही गलती किया, अगर बीए का नहीं डालता तो आईटीआई का डालता तो बहुत सारा ऑप्शन था मेरे पास, ट्रैक मशीन पे भी जा सकता था, चाहे ड्राइवर भी बन सकता था। लेकिन उस टाइम यही मेरे से गलती हो गया कि वो आईटीआई का नहीं डाला। बाकी दूसरा भी वैकेंसी निकलता है, इधर कुछ दिन पहले ब्लैक स्मिथ का निकला था और क्लर्क का निकला था, तो ये सब का फॉर्म भरा हूँ, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और एक ब्लैक स्मिथ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो कुछ भाई ये सब भी सवाल करते हैं कि अभी तक कितना दिन हो गया तो किसी दूसरा चीज़ में क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ये सब पूछते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और एक भाई कमेंट किए थे कि सैलरी के बारे में बताइए, जब शुरू में ज्वाइनिंग किए थे और अभी कितना आपका
पेमेंट है, क्या क्या मिलता है, कितना डीए मिलता है, कितना टीए मिलता है, ये सब थोड़ा डिटेल से बताइए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।